भगवद गीता के अनमोल वचन। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखा गया है, उपदेश हमारी सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, साथ ही साथ सफल जीवन की प्रेरणा भी देता है। हिंदू धर्म इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों इंसान अपने जीवन में सम्मिलित करके तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। तो आइए जानते हैं भगवत गीता सार का अनमोल ज्ञान, जो इंसान के मन को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। पौराणिक काल के समय बड़े धर्म युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख होने पर एक अमूल्य उपदेश दिया था, जिसे गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। भले ही यह उपदेश आज से लगभग 5000 साल पहले दिया गया हो, परंतु गीता के ये उपदेश आज भी मानव जीवन में उतने ही प्रासंगिक है जितना ही अर्जुन के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी था। यदि आज मानव इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में समाहित कर ले तो ना तो उसे जीवन में किसी भी तरह के दुखों का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसके जीवन में कभी भी निराशा आएगी। मित्रों, प्रस्तुत है गीता सार के प्रमुख बिंदु जो जवाब है अपने जीवन की हर समस्या का। सबसे पहले ये है कि मानव शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का शरीर महज एक कपड़े का टुकड़ा है, अर्थात जिस तरह हम पुराने हो जाने जाते हैं और पुराने कपड़े को बदल डालते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा हर जन्म में शरीर बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमारे शरीर से नहीं हमारी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग इंसानी शरीर से आकर्षित रहते हैं या फिर मनुष्य जीवन को ही सत्य मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। ये हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अस्थाई शरीर की तृप्ति नहीं अपितु स्थाई आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म और मरण जीवन का एक चक्र है जिसने जान लेना अवश्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। अर्थात जिसे इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, यही इस दुनिया का अटल सत्य है। फिर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। मृत्यु तो वो परम सत्य है जिसे एक दिन आना ही है, इसलिए मृत्यु से भय मूर्तपूर्व है। क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे उसे काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है।
मनुष्य अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी इंसान अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी बने के लोभ में अगर उनका कर्म छूट जाता है तो वे लोग दोनों तरफ से भटक जाते हैं। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी कि संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जी हाँ, जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है, अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मन को काबू रखना। दोस्तों, गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग अपने मन को काबू नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वे शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखें। जो मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक उन ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने का नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही होता है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। खुद की पहचान करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वे खुश रहेगा या नहीं, अर्थात कर्म करने के बाद और दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीता सार कि कुछ अनमोल बातें जरूर पसंद आई होंगी और इससे आपका जीवन और खूबसूरत होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।